नमस्कार, देख रहे हैं आप सड़ी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा और शर्मा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अब इसको लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है, लोगों में आस्था साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं इसको देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया और यह ऐलान किया गया कि 22 जनवरी को सरकारी दफ्तरों की आधे दिन की छुट्टी कर दी जाए ताकि वो लोग लाइव प्रसारण देख सके। अब इसको देखते हुए बिहार की राजनीति में भी यह मांग तेज होने लगी और राज्य सरकार से यह मांग उठ रही है कि 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन है, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उस दिन आधे दिन की छुट्टी कर देनी चाहिए ताकि यहाँ के लोग भी अब लाइव प्रसारण देख सके। तो चलिए पूरी खबर क्या है बताते हैं आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने नीतीश सरकार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने राज्य सरकार से अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन दर्शन पूजन करने या उसका सीधा प्रसारण देखने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सबकी सहमति और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर के नव निर्माण से देश विदेश के कोटि कोटि हिंदुओं में जो उत्साह है उसका आदर होना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने सभी कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और केंद्रीय संस्थानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश रखने की घोषणा कर बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावना का सम्मान किया है। बिहार में भी हिंदू समाज के लोग 22 जनवरी को दिन में पूजा पाठ और शाम को दीपावली मनाने वाले हैं। सरकार को इस बड़े समुदाय की आस्था का सम्मान करते हुए राजनीति से ऊपर उठकर आधे दिन की छुट्टी घोषित करनी चाहिए। तो आधे दिन की छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे हैं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पर क्या कुछ निर्णय आता है, क्या नीतीश कुमार भाजपा की ओर से जो मांग की जा रही है उसको पूरा करते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। गौरतलब है कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना है। ऐसे में बीजेपी में भी काफी उत्साह का माहौल है। बराबर लव कुश रथ यात्रा निकाला जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसको लेकर। तो वही दीपावली मनाने की भी मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होना है उस दिन सभी लोग अपने घर में कम से कम 5-5 दीप जलाएं और दीपावली मनाएं। बता दें आपको कि 500 साल वर्षों का इंतजार अब खत्म हो रहा है और अंततः 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में देश में उत्साह का माहौल है। तो ऐसे में यह भी मांग की जा रही है कि 22 तारीख जो एक ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है उस दिन राज्य सरकार सभी सरकारी दफ्तरों का आधे दिन की छुट्टी घोषित करे, इसकी मांग की जा रही है बीजेपी की ओर से। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।